अनलॉक के पहले दिन प्रशासन ने दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं देने से नाराज सराफा क्षेत्र के व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में व्यापारी सड़कों पर उतरे, जिसके चलते पुलिस प्रशासन को व्यवस्था संभालना पड़ी। देखिए यह खास रिपोर्ट। अनलॉक के बाद भी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं देने को लेकर सराफा क्षेत्र के व्यापारियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। व्यापारी सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर एकत्रित हो गए, जिन्हें संभालने में पुलिस जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गौरतलब है कि प्रशासन ने अनलॉक प्रक्रिया के तहत कुछ क्षेत्रों के व्यवसाय को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं दी है। इसमें सराफा व्यवसाय भी शामिल है। इन व्यापारियों के समर्थन में आए कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि सराफा बाजार नहीं खोलने को लेकर जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी दी है कि वह इसे लेकर सरकार का विरोध करेंगे और कल से दुकान भी खोलेंगे। जबलपुर शहर के जो पूरे व्यापारी संघ है, और ये मुख्य बाजार है जबलपुर शहर का, जो पिछले 50 दिन से मध्य प्रदेश सरकार का, जिला प्रशासन का, कोरोना के नियमों का पालन करते हुए तन मन धन से सहयोग कर रहा है, और इन्होंने हर बात हर नियम का पालन किया है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्रदेश में अनलॉक करने हम जा रहे हैं और सब दुकानें खुलेंगी, तो आखिर ये फुहारा जो मुख्य बाजार है, जिनने 50 दिन से सहयोग किया, इनकी आपत्ति है कि इनका बाजार कैसे बंद रखा जाए। सब्जी मंडी हो, चाहे थोक मंडी हो, चाहे अन्य जो बाजार हैं, अगर वहाँ भीड़ पे नियंत्रण आप व्यापारियों के माध्यम से कर सकते हैं, तो यहाँ के व्यापारी उनसे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। मैंने जब परसों प्रभारी मंत्री से बात की थी, तो उनसे कहा था कि एक हफ्ते का इनको समय दीजिए, ये व्यापारी आपके भरोसा और विश्वास करने लायक है, ये हर तरह से कोरोना का पालन नियमों करते हुए दुकान खोलेंगे। तो ये तय भी हो रहा था कि हाँ ठीक है, इसका हम निर्णय गृह मंत्रालय कराएंगे, लेकिन कल जो निर्णय आया उसमें एक हफ्ते यहाँ बंद करने के लिए कह दिया। जिस बात को लेकर रोष है, जब बात ये चल रही थी कि एक हफ्ते खोला जाए, इन पे भरोसा करिए, और अगर मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़े सही हैं, पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम हुआ है, तो व्यापार खोलने में दिक्कत कहाँ है? पूरा शहर का व्यापार खुलेगा, फुहारा बंद रहेगा। इस बात को लेकर आक्रोश है, और मेरा ये मानना है सरकार को इस पर अंतिम निर्णय ये लेना चाहिए कि इन पर एक हफ्ते का भरोसा करें, ये हर तरह से आपका साथ देंगे। एक हफ्ते में अगर हमारा संक्रमण दर बढ़ती है या बीमारी कंट्रोल से बाहर होती है, तो ये लोग फिर आपका सहयोग देते हुए दुकानें बंद करने तैयार हैं, और मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। फिलहाल के अधिकारियों से बात, अधिकारियों कहना हम आधे घंटे में आपसे अधिकारियों से बात करके एक बैठक करा रहे हैं, लेकिन ये बात तय है कि अगर अधिकारियों ने इस पर उचित निर्णय नहीं लिया, तो व्यापारी आज विरोध प्रदर्शन करते हुए आधी दुकानें खोलेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, आधा आधा शटर खोल के सरकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे, और कल सुबह से व्यापारी पूरी दुकानें खोलेंगे, और ये पूरी दुकानें सुबह से लेकर शाम तक खुलेंगी, जिससे भीड़ ना हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि शासन को और प्रशासन को संजीदगी के साथ संवेदनशीलता दिखाते हुए इनके निर्णय में सहमति दिखाना चाहिए, क्योंकि ये व्यापारी उनके साथ हर हमेशा साथ खड़े रहे हैं, और हर जगह कोरोना की लड़ाई को इनके साथ में संघर्ष किया। मेरा भी मानना है कि अगर इनके साथ जाति होगी, मैं एज ए विधायक इनके साथ हमेशा हूँ, आज भी हूँ, और कल सुबह से 8 बजे से मैं भी यहीं बैठूंगा। देखिए बात सीधी बात है, अगर आप पानी को बहुत देर बांध के रखोगे, तो बड़े बड़े बांध भी जो है सब अगर करते करते अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो टूट जाता है। तो मेरा मानना है ये लोगों ने सब्र और संयम बरतते हुए 50 दिन निकाल लिए। अब जब पूरा शहर खुल रहा है, तो इनका कहना हमारा साथ अन्याय क्यों? और दूसरी बात है, एक एक व्यापारी के साथ 10-10 कर्मचारी जुड़ा है, जिनको रोजी रोटी के लाले पड़ गए। ऐसी स्थिति में सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। मेरा सरकार से भी यही आग्रह है, और जिला प्रशासन से भी, जो मैंने परसों कहा था वही आज कह रहा हूँ, और कल सुबह भी मैं उस पर अडिग रहूँगा। सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष राजा सराफ की माने तो 3 दिन से प्रशासन हमें बाजार खोलने की अनुमति देने की बात कह रहा था, लेकिन अनुमति नहीं मिलने से व्यापारियों में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन अनुमति नहीं देता तो हम खुद ही बाजार खोल देंगे। 15 व्यापारी संघों की लगातार बैठक 3 दिन से हो रही थी, और प्रशासन हमें आश्वस्त कर रहा था कि हम आपको बाजार खोलने की परमिशन देंगे। शासन की गाइडलाइन आई, उनके अनुसार 25% खोलने की अनुमति थी। हम लोगों की बैठक के बाद सारे जो 14 व्यापारी संघ हैं, उन सब ने निर्णय किया कि हम, अगर आप हमें परमिशन नहीं देंगे, तो हम पूरे बाजार खोल देंगे। फिर प्रशासन की लगातार बैठक हुई, कल शाम तक बैठक हुई, उन्होंने हमें 50% बाजार खोलने की अनुमति दी।
कि आप 50% हम लोगों से सुझाव लिए, और हम लोगों ने सुझाव दिया था कि एक दिन राइट एक दिन लेफ्ट, एक दिन राइट एक दिन लेफ्ट खोलने की आप परमिशन दो, जिससे कि हम अपने जो हमारा स्टाफ है, हमारा कर्मचारी है, जब आप सारे ट्रेड कार के शोरूम खोलने की परमिशन दे रहे हो, होंडा के शोरूम, गाड़ियों के शोरूम की परमिशन दे रही हैं, शादी की परमिशन दे रहे हो, जब आप शादी की परमिशन दे रहे हो तो शादी में इस्तेमाल होने वाले कपड़ा और जेवर सबसे ज़रूरी आइटम है, उसको आप इस अनुमति से कैसे बाहर रखे हुए हो, जो लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं। अगर शासन ने हमें अनुमति नहीं दी, आज वो बोल रहे हैं कि बैठक चल रही है, हम तुरंत निर्णय करके बता रहे हैं, अगर नहीं दी तो हम लोग कल से पूरा बाज़ार खुलवाने का प्रयास करेंगे, पूरा बाज़ार खोलेंगे। मैं आपसे ये कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपने मान लीजिए इन दुकानों को खोलने नहीं दी, आप भीड़ कैसे कम कर सकते हैं? आज पूरे शहर में आप घूमे, आपने 25% या 50% की कॉलोनियों में दुकान खोलने की दी, आप भीड़ कम नहीं कर सकते। हम लोगों ने वो सुझाव दिया था कि आप पूरी दुकान खोलने दें, हमने बहुत सारे सुझाव दिए थे कि आप हमें 10 से 5 तक की परमिशन दें, हम टंगना नहीं टांगेंगे, हम दुकानें नहीं लगाएंगे, हम बाहर दुकान बाहर नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारे हम अपने 20% कर्मचारियों के साथ दुकान खोलेंगे। कोरोना की पूरी गाइडलाइन का सैनिटाइजर और बाकी मास्क नहीं तो सामान नहीं है, जिस सारी हम गाइडलाइन का पालन करेंगे, लेकिन जैसे दूसरे ट्रेड खोलने की परमिशन दे रहे हैं, ऐसे हम लोगों को भी खोलने की परमिशन दी जाए। देखा जाए तो अनलॉक होने के बाद भी सराफा बाजार नहीं खोलने देने को लेकर व्यापारियों में भारी नाराजगी है, जिसे लेकर सराफा बाजार के व्यापारियों ने प्रदर्शन कर प्रशासन को चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, जबलपुर।